हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे और मैं आ चुकी हूँ मायके में और रहने के लिए आई हूँ। सडनली प्लान बनाया तो कुछ बता नहीं पाया पहले से। तो देखिए, ये आ चुका है मेरा घर। मम्मी है मेरी, भाभी हैं, भाई सबसे मिलिए आप लोग। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं अच्छा खुश रहो, जीते रहो। वो कहाँ बैठ गया जाके। अनुया देखो कहाँ आ गया मेरी। अरे बेटा आ गया, कोई बात नहीं, आ जा अनुया। जीनू जीनू पहले नानी से नमस्ते करो और मामा से। जीनू जीनू आते आते फोन में जीनू को पहले सैनिटाइज कर लो। जीनू मामा से नमस्ते करो और मामी से। मामी से जीनू को सैनिटाइज कर लो। जीनू अरे जीनू के पैर क्यों छूटो। जीनू ऐसे तो ये लो बेटा, जीनू लो जाओ, ये लो आप भी लो। हाँ उसे लेके आ जाऊंगा। पैर छोड़ पूरा पूरा। अच्छा एकदम लेने चला भगा है लेने के लिए। काफी टाइम बाद देख रहा है ना। लो मैं तो हार मेरे पैर छूने आ रहा। आपने मेरे को याद किया, जीनू का है और ये मेरा है। अरे अनमे के लिए तो बचा ही नहीं। आपको लेना है, आप लोगे बेटा ये मैं ले लूं। थोड़ा ये मुझे दे देगा मेरे को, ठीक है? दे दोगे ना? हाँ ज्योति वाला मेरे को नहीं। तो मैंने वो था अपने लिए, उन्होंने कहा मेरे को दे दो डबल कैमरा। अरे झूठे, इन्होंने ही मंगाया था खुद। ये खातिरदारी हो रही है तुम्हारी, खाओ ना कुछ। ले लो तुम एक समोसा ले लो, बाकी मैं खा लूंगा। जीनू आ जाओ, तुम्हारा एक है बस। एक ये लो चिप्स, बच्चे नहीं आएंगे अब। जीनू देखो कितनी सारी चीज़ है ये, कितनी चिप्स चिप्स। वाह हाँ चिप्स अच्छे लगते हैं ना आपको, ठीक है? भैया को भी बुला लो खा लेगा। लो भैया चाय लो। विष्का आ जाओ, छोड़ दो यही खा लो, यही चाय लो चाय लो। लो मम्मी जी चाय लो, ले लो ना। यार यहाँ समोसे बहुत बड़े हैं ना। और क्या वहाँ बहुत महंगा है। हमारे यहाँ कितने कर दिया, 15 पंद्रह का एक समोसा कर दिया वहाँ पे। और इसका आधा वैसे तो यहाँ तो 15 देता है, दूसरा लड़का बैठा था तुमने 10 के दे दिए। वैसे 15 के हो गए यहाँ भी। अच्छा हर जगह इतने ही हो गए, जो की रेट बढ़ रहा है पर वहाँ छोटा साइज है इनका, साइज हो कितना बड़ा बढ़ रहा है। लो भैया लो लो समोसा लो। भाभी आ जाओ ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सडनली जो है वो मायके आना का प्लान हो गया, एकदम से कुछ प्लान नहीं था, मतलब पहले से कुछ नहीं था, बट सडनली जो है वो पतिदेव जी ले आए हैं। फिलहाल चल रहा है खाना पीना, भाभी सेक रही है गर्मा गर्म खाना और पीछे चल रहा है खाना। और आपको मिलवाती मैं नए मेहमानों से जो मुझे यहीं पर मिले हैं। कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग मिल जाएंगे। तो ये है अंशु, ये है मेरा भतीजा। हाय कर दे, बूस्ट उसके खा रहा है बैठ के राउंड पे। और इन्हें तो आप जानते ही हैं। और ये है मेरे भाई साहब। सब लोग मजे में खा रहे हैं, और खाने में क्या क्या वही मैं दिखा देती हूँ। भाजी है, पाव भाई के पास खत्म हो चुके हैं। भाई पाव ले, पूड़ी कुछ नहीं, अरे ले लो एक है। अरे तू मत इनके उसमें मत जा, खा ले
थोड़ी लिया कुछ नहीं। तो भाजी की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, रायता है, पूड़ी है, पूड़ी खाए। किसी के पास भी पूड़ी नहीं है, चावल है। पूड़ी थी कहाँ चुकी, पेट में चली गई पूड़ी। और यहाँ खाना पीना चल रहा है फिलहाल, भाभी जो गर्मा गर्म बना रही हैं। भाभी ने सारी तैयारी कर ली है, एक साइड पे पाव हो रहे हैं, एक साइड में पूड़ी हो रही है। तो गर्मा गर्म हर चीज़ फिक रही है, सर्दियों में गर्म गर्म ही खाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए भाभी एक साइड में तवा भी रख लिया है। और ये बनी है सब्जी, कहाँ है सब्जी, ये देखो, ये है मटर पनीर गर्मा गर्म, धुआं निकल रहा है। और ये है भाजी, वाह, रायता एंड पुलाव। मम्मी खिला रही हैं। और देखो अंदर मिलवाते हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। ये देखो ये चल रहा है खाना। भाभी खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया। ये है हमारी प्यारी भाभी जी। और ये है भाभी की बहू जी। ये नई नवेली बहू है। और ये है ननद रानी। ये भाभी ननद, ये मेरी भतीजी है। कैसा बना खाना? बढ़िया। कुछ और चीज बताओ, क्या लेके आऊँ? टेस्टी बना है, एक में ही खा रहे हो? आप ही लेके आओ ना। मैं हाँ भी लाऊंगी, पेट ना भरा भरा सा, जब से कुछ ना कुछ चब ही रही हूँ मैं। कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ। और वो देखो, हाँ मायके का सुख मैं लूंगी अभी। पाव खाओ, पाव गर्मा करो। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी ने इनवाइट करा है नई नई बहू को खाने पे। नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन है। हाँ नई नई शादी हुई है। तो मम्मी ने लंच पे इनवाइट करा है, तो भैया को भी ले आते हैं। बताओ भैया ने इतना अच्छा खाना मिस कर दिया है। और वो देखो पीछे मेरी भतीजी पढ़ाई कर रही है, भी लेके आती हूँ। लो पाओ, देना पाओ। अरे वाह, हलवा भी है यहाँ तो, क्या बात है, गाजर का हलवा। लो ये वो गरम नहीं है, गरम नहीं है, ये वापस कर दिया है पाओ। अरे एक तो आधा ले लो, अच्छा आधा, अरे मेरे हाथ से आधा। और पूड़ी रख दो एक, पाव भी लेंगे। हाँ मैं भी खा रही हूँ। खा रही खाने को अच्छा लग रहा है खाना। हाँ बुआ का तो इंतजार कर रही थी वो। बताओ मम्मी खाना कैसे बना है? तीनू को खाना अच्छा लगा है ना? तीनू रायता खा रही है। तीनू खाना अच्छा है कि रायता? रायता अच्छा है, खाना अच्छा है। भाजी पाव भाजी अच्छी है, दीदी तो अच्छी लगी। दीदी को देखो, दीदी खा रही है देखो। मैं भी डांस देख के जाऊंगा, अभी तो ठीक ही हो रहा है। हाँ वही तो मैं कहूँगा, छत पे किया था डांस, मुझे लगी थी तब। कितने दिन हो गए डांस क्लास में जाते हो? एक महीना हो गया। अच्छा अच्छा लग रहा है, ये देखो मुझे भी फेंको। मम्मी देखो देखो, अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे भी लिया, मैं तो ऐसे ही आया था रूम में।
ये क्या होता है, ये क्या है? अरे ना, आप छू लेते हमारा जो रिश्ता हुआ था पक्का जो हुआ था वो भाभी के घर पे ही हुआ था, इनके घर पे देखा था पहली बार ना, हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार जो देखा था भाभी के घर पे हुआ था शादी से एक डेढ़ साल पहले, शादी से एक डेढ़ साल पहले। सास ससुर ने भी तो देखा, सब लोग वही आ गए थे एक जगह और वही पे हुआ था, मतलब ये सब जो मतलब सेट वो भाभी के घर पे ऐसे शुरू हुआ है ना, वहीं से सारी चीजें एक ही बार में सब फसल, हाँ सब कुछ फाइनल हो गया, रिश्ता फाइनल हो गया एक ही बार, बहुत अच्छी बात है इतने दिनों तक और क्या, दो साल तक हमारी शादी रुकी रही, दो साल बाद हमारी शादी। अच्छा भाई रिश्ता अच्छा मिल जाए एक दूसरे की, इससे बढ़िया बात और क्या। शादी से खुश हो, शादी से खुश हो तुम, ऐसे तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा अभी कैमरा ऑन है, बहुत खुश हूँ बेटा, तुम बड़े भी तो हो। बड़ा होगा वो अभी नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है, खा लो तुम ही खा लो, खा लो बेटा। पापा घर जा रहे हैं, मेरे को खिला दो, लाओ मेरे को दो, मैं नहीं खाऊंगा बेटा। दिन हो रही है, चलो जीनू बाबू ऊपर आ जाना, ठीक है, मम्मा भी यही है। कोई बात तो देखो पापा जी भी आ गए हमारे जॉब से। पापा राम राम कर दो सबको, राम राम, राम राम, जय श्री राम। हाथ क्यों ला रहे, जय श्री राम। पापा चुप रहे, मूंगफली खाना खा लिया पापा ने, और हमारे यहाँ रूटीन है कि पापा मूंगफली जरूर लेके आते हैं शाम के टाइम, है ना, पहले ऐसे होता था मूंगफली जरूर लाते थे पापा शाम के टाइम, गन्ना नहीं मेरे सामने तो मूंग वो आपके लिए लाते होंगे। 9:30 हो चुके हैं और आज सब लोग बहुत थक गए हैं, थक चुके हैं आज, भाभी तो बेचारी कुछ ज्यादा थक गई है जब से किचन में लगी पड़ी है सुबह से, तो बस अब करेंगे आराम, और अभी कुछ टाइम तक जो है वो मायके की ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे आपको, तो इन्जॉय करते रहिए, मायके में ही रहूँगी मैं कुछ टाइम तक, अब तो रहने आई हूँ क्योंकि सासू माँ ने परमिशन दे दी कि अभी कुछ टाइम रह आओ, तो इसलिए फिर सडनली आना हो गया, कुछ प्लान नहीं था पहले से, बट एकदम से अचानक से प्लान बना तो फिर रहने के लिए, हाँ काफ़ी टाइम हो गया था रहने के लिए यहाँ पर थी। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।